हज सफर 2024 का दौर शुरू हो चुका है। सुबह 8:30 बजे 433 हाजियों की बस हज हाउस करबला से रवाना हुई, जहां आज दोपहर 1:30 बजे जयपुर से मदीना के लिए फ्लाइट ने उड़ान भरी। बड़ी संख्या में हाजियों को विदा करने उनके परिवार के लोग पहुंचे। हज सफर पर जाने वाले हाजियों और उनके परिवार में उत्साह देखने को मिला। जयपुर एयरपोर्ट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पिछले साल हमने हज संचालन को सफलतापूर्वक संभाला था और सभी यात्री व्यवस्थाओं से बहुत खुश थे। इस साल भी हम सभी आवश्यक व्यवस्थाओं और सेवाओं के साथ निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करेंगे। पहले जयपुर से हज उड़ान जिद्दा में उतरती थी, लेकिन पिछले साल की तरह इस बार भी हज उड़ान सीधे मदीना में उतरेगी। अधिकारी ने बताया कि एयरपोर्ट प्रशासन ने इसके लिए तैयारियां तेज कर दी है और हज से जुड़े सुरक्षा और अन्य जरूरी इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं। हज यात्रियों के लिए फ्लाइट्स का संचालन इस बार जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से शुरू किया जाएगा और यात्रा को और सुगम बनाया जा सके। देखिए हमारे संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। हज का मुकद्दर सफर 2024 शुरू हो चुका है। वहीं हम आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद है जयपुर के सांगनेर एयरपोर्ट पर, जहां हम आपको बता दें हज 2024 का सफ़र शुरू हो चुका है। सफ़र के दौरान आज 433 हाजिरी मदीना के लिए रवाना हुए। वहीं हम आपको बता दें, मौके पर आज जो मौजूद रहे हज कमेटी के चेयरमैन अमीन कागजी और अधिशासक अधिकारी महमूद खान। ऐप डाउनलोड करने के बाद में जो किस तरह से उनको क्या-क्या सब ट्रेनिंग उनको दे दी है, उनको किस तरह से मक्का में क्या करना है, मदीना में क्या करना है, मुज़दलिफा में क्या करना है, मेडिकल की जरूरत है तो कहाँ बात करनी है, खादिमुल हजार की जरूरत है तो उसमें देख सकते हैं, सारी सुविधाएं हैं उसको। यहाँ के एयरपोर्ट के भी जो ऑफिस बैरर्स थे और जिस तरह से हाजियों के और फेमिलियर सहयोग के कारण जो बहुत अच्छे जो टाइम पे जो फर्स्ट फ्लाइट जो है जो एक रवानगी हुई है तमाम लोगों की खुशी के साथ, तो जिसमें जो अभी चेयरमैन साहब बता रहे थे 1 साल का बच्चा भी गए, जो अमीन भाई ने भी कहा कि हम ये कहना चाहते हैं कि कम से कम क्राउड इस टेम्परेचर को देखते हुए एयरपोर्ट पर ट्रैफिक को देखते हुए भी ध्यान रखें, किसी की तकलीफ ना हो और हाजियों को छोड़ने आए कम से कम लोग हो, जो व्यवस्था है उसमें हम सब मिल करके इस मुबारक मौके पर अमन और चैन के लिए इनकी दुआ करें। आज हाजियों की पहली उड़ान यहाँ राजस्थान से जा रही है और हमारे राजस्थान के जो मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी और हमारी प्रदेश की जो टीम है उन्होंने उनको मुबारकबाद पेश की है और हमारे जो मोर्चे के कार्यकर्ता है और वॉलंटियर हैं यहाँ पर उन्होंने अच्छी व्यवस्था की है और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने सेंट्रल हज कमेटी की तरफ से जो ऐप लॉन्च किया है उस ऐप के माध्यम से प्रत्येक हाजी को सहूलियत मिलेगी। वहाँ पर जो यहाँ से खादिम उज्जात जाते हैं, पहले कई बार दिक्कतें हो जाती थी वहाँ पर, इस बार उनके नंबर, उनकी पूरी मॉनिटरिंग यहाँ से जो हमारी राज्य हज कमेटी और सेंट्रल हज कमेटी वो पूरी मॉनिटरिंग करेगी और हाजियों को वहाँ कोई परेशानी नहीं हो उसके लिए अच्छी व्यवस्था की गई है और राजस्थान सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा माननीय मोदी जी ने और माननीय भजनलाल शर्मा जी ने यहाँ पर जो व्यवस्था की है और हाजियों को उन्होंने मुबारकबाद पेश की है। मैं अपनी तरफ से भी और हमारी पूरी टीम की तरफ से, पूरी वॉलंटियर की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनसे हमने दरख्वास्त की है कि वहाँ पर जाकर प्रदेश के लिए, देश के लिए, अमन चैन भाईचारा के लिए दुआ करें कि यहाँ जो गंगा जमुना तहजीब का जो हमारा प्रदेश है, देश है, उसमें ये कायम रहे, उसके लिए दुआ करेंगे वहाँ पर जाकर। और जब वो यहाँ पर वापस हज कर कर आएंगे तो हमारे कार्यकर्ता, हमारी पूरी टीम उनके इस्तकबाल यहाँ पर करेगी और उनसे हमने दुआओं के लिए अपील की है और यहाँ की जो व्यवस्था हुई, हमारी जो यहाँ की जो टीम है उन्होंने पूरी अच्छी व्यवस्था की है, उसके लिए उन सभी को मैं मुबारकबाद देता हूँ। वहीं राजस्थान हज कमेटी के चेयरमैन अमीन कागजी ने बताया, हज सफर पर जाने वाले सभी तमाम हाजियों को हज के दौरान की जाने वाले अरकानों की जानकारी दी, साथ ही 200 हाजियों पर एक खादिमुल हुज्जाज को भेजा गया है। टर्मिनल 1 पर एयरपोर्ट प्रशासन द्वारा विशेष इंतजाम किया गया है, जहाँ पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती, CIAF की तैनाती, यात्रियों के पानी और खान पान की व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था और महिला और पुरुष यात्रियों के लिए अलग से नमाज अदा करने की व्यवस्था आदि शामिल है। इसके साथ ही हज कमेटी के साथ भी फ्लाइट संचालन और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर प्रतिदिन कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है। 433 हाजियों के साथ 2 खादिमुल हुज्जाज को साथ भेजा गया है और वहीं बताया गया है कि खादिमुल हुज्जाज द्वारा जितने 433 हाजी जो वहां पहुंचेंगे उनको सभी को मोबाइल के अंदर एक ऐसा ऐप डाउनलोड कर दी गई है ताकि उनको किसी भी प्रकार की कोई भी किसी भी तरीके की कोई समस्याओं को उनको सामना ना करना पड़े। वहीं हम आपको बता दें, आज जो यहाँ जनता के अंदर जो हाजियों को छोड़ने के लिए उनके परिवार के लोग जो पहुँचे हैं उनके अंदर भी एक बड़ा उत्साह देखा गया है। सेवी पर्सन कैमरामैन के साथ सद्दाम हुसैन, रॉयल पत्रिका, जयपुर।